सर्वप्रथम उन गोल्स की एक सूची बनाएं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। वे चीजें जो आप नजदीक, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक अवधि में पाने की आशा करते हैं। आपको जल्द ही एक नई कार चाहिए होगी, एक शानदार छुट्टी, कुछ वर्षों के बाद एक सपनों का घर और आखिरकार एक हेल्थ रिजर्व जो आपके रिटायरमेंट के दौरान आपकी सहायता करेगा। आप अपने नियर टर्म गोल्स को प्राप्त करने में सहायता के लिए कुछ पैसे बचा सकते हैं। इस बचे हुए पैसे को अपने बैंक खाते में रखने पर आपको नॉमिनल इंटरेस्ट मिलेगा और आपकी तत्काल आवश्यकताओं और शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने में आपकी सहायता कर सकता है। सेविंग्स आसानी से मिल जाती है और आपको मेडिकल बिल्स जैसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों को कवर करने में मदद कर सकती है यदि वे अचानक सामने आते हैं। लेकिन इस बारे में सोचो, वास्तव में केवल स्मॉल इंटरेस्ट वाली बचत से आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं? या क्या आपकी बचत सच में हैप्पी रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त होगी? इसका जवाब जोरदार नहीं ही होगा। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ कीमतें बढ़ रही हैं और आपके पैसों का मूल्य कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि केवल बचत करना पर्याप्त नहीं होगा, यहाँ पर आपको स्मार्ट होना होगा और अधिक आय उत्पन्न करने के तरीकों पर विचार करना होगा। इसका जवाब है इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाने की प्रक्रिया को इन्वेस्टिंग कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये इन्वेस्टेड मनी थोड़ा सा जोखिम उठाकर आपके लिए एक एडिशनल इनकम, आपके लिए प्रॉफिट का एक नया साधन बना देगा। इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ बनाने में मदद करता है और बढ़ती कीमतों की समस्या से निपटने में भी मदद करता है। लेकिन आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट में स्टॉक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सोना, फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट और अन्य उपकरण शामिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का सही संयोजन आपको न केवल बढ़ती कीमतों से आगे रखेगा बल्कि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इसीलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे के पूरक है और आपकी फाइनेंशियल नीड्स और लाइफ गोल्स के आधार पर दोनों महत्वपूर्ण है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Mutual fund investments बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।